हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोन लॉक। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। तो आप लोगों को पहले तो दिल से थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही करते रहिए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने व्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब किसके व्लॉग्स देख के या फिर क्या, मतलब मेरी वीडियो बनाने का तो मेरा मन तो बहुत पहले से था, मतलब बहुत शौक़ था। टिकटॉक पे भी मैं बनाती थी, और ब्लॉगिंग का शौक़ नहीं था, बस सोचती थी कि मतलब और भी ब्लॉग देख के अच्छे लगते था कि मैं भी ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का पहले शौक़ था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आइए लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिसके मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती थी। अब ये कोई बोल सकता है कि मेरा कॉपी किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक मन के अंदर ना मतलब हुनर होता है कि हाँ आप लोग वीडियो बना सकते हैं, या शौक़ होता है। सबसे मेन होता है कि शौक़ होता है, अगर उस चीज़ का शौक़ हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बनाते हैं वीडियो, मतलब वो चाहते हैं कि बना ले लेकिन नहीं हो पाता। तब तक शौक़ ना हो, किसी चीज़ का एक्साइटमेंट ना हो, तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। और मेरा शुरू से ही था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ और कुकिंग का, या फिर कुछ भी यूट्यूब पर बना के डालूँ, या फिर शॉर्ट्स बनाऊँ। टिकटॉक पर भी मैं खूब वीडियो बनाती थी, इस वजह से मैं लोगों के व्लॉग्स देखती थी। तो सबसे ज़्यादा मैंने पहले स्टार्ट किया था व्लॉग देखना सौरभ जोशी का। हाँ, तो मुझे उनके व्लॉग बहुत अच्छे लगते थे, मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, और मतलब उनसे ही कुछ सीखती थी कैसे व्लॉग बनाया जाता है, कैसे क्या। बाकी मैं किसी भी, बहुत सारे यूट्यूबर है बड़े बड़े, बट मैं किसी का नहीं देखती थी, मुझे बस पसंद था उनका, तो मैं और देखती थी। फिर धीरे धीरे करके फिर मेरे अंदर भी आया उनके व्लॉग्स देख के कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी व्लॉग बनाऊँ। तो बहुत टाइम लगा मुझे मतलब अपने आप को मनाने में, तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया, और आप लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही करते रहिए, जैसे आप सबको आगे लेके जाते हैं, प्लीज़ मुझे भी ले जाइए। मेरा मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा कंटेंट अच्छा हो या कुछ भी, तो मैं अपना एकदम बेस्ट करूँगी। और क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब होता है डेली रूटीन में आप जो करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, डेली मेरा चैनल व्लॉगिंग का है तो इससे ही रिलेटेड मैं बताऊँगी ना। व्लॉग में यही होता है, खाना पीना या जो भी हो, कुछ एक्टिविटी, ट्रैवल व्लॉग, यही सब होता है व्लॉगिंग। इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम इट्स कोमल व्लॉग दिया है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ सौरभ जोशी की, मतलब उनकी वीडियोज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भी होंगे बहुत, बट मैं इनका देखती हूँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि तब मैं भी थोड़ी सी बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, तो उनसे ज़रूर मिलूँ और बताऊँ कि आपके व्लॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा, और मैं देखती थी और अच्छे भी लगते थे। तो मैं मिलना चाहती हूँ सौरभ जोशी से, क्या पता फ्यूचर में कभी मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँ, बन जाऊँ, तो मिलूँगी पक्का। अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी तो हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, तो कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कि जिस चीज़ में आप एकदम पूरे दिल से घुस जाओ, मतलब जी जान लगा दो, वो सक्सेस मिलने से भगवान भी नहीं रोक सकते, भगवान पूरा साथ देते हैं आपकी मेहनत वगैरह देख के। तो मैं मिलना चाहती हूँ सौरभ जोशी से, और उनके व्लॉग से मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे शूट करना चाहिए, क्या वो मैं देख देख के, मतलब ये होता है ना कि हाँ कुछ किसी इंसान से सीखने को कुछ मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि बहुत मुझे सीखने को मिला व्लॉगिंग, उन्हीं से हिम्मत मिली कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं इस प्लेटफॉर्म में आई। और बहुत अच्छा, क्योंकि वीडियो बनाना भी, एडिट करना भी कोई आसान बात नहीं होती। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बस वीडियो बना रही है, तो लेकिन ये नहीं, एक बार आप घुस के देखो। चलो मैं कहती हूँ आप एक दिन वीडियो बनाओ, दो दिन वीडियो बनाओ, तीन दिन वीडियो बनाओ, तो आप लोग खुद पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत होती है। वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता, मतलब ये बोलते हैं ना कि कोई भी काम आसान नहीं होता, बस तब तक आप नहीं कर रहे उस काम को, तब तक लगता है कि नहीं नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत इजी है, इजी। तब आप उसमें लग जाओगे ना, तब आपको पता लगता है कि अंदर है क्या, कितना इजी है, कितना नहीं। मेरे से पूछा, मुझे भी लगता था कि व्लॉगिंग बनाने में क्या है, इधर गई तो दिखा दिया, उधर गई तो दिखा दिया, बट नहीं, बहुत तरह की और टेंशन आ जाती है कि पता नहीं मैं डाल रही हूँ, व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से मतलब क्या करूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कोई भी पॉसिबल है। जितने भी यूट्यूबर है सबको आप लोगों ने सपोर्ट किया, इस वजह से वो इतने आगे पहुँचे हैं। तो मैं भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी, प्लीज़ सपोर्ट मी, और शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरे एंड तक देखिए, और ऐसी प्यार बनाए रखिए आप लोग। बस और नहीं कहूँगी, बस मैं यही बोलूँगी कि मैं ज़रूर अपनी लाइफ में कभी थोड़ा आगे सक्सेस होगी तो सौरभ जोशी से ज़रूर मिलूँगी, और मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझे मिलके, बहुत अच्छा फील होगा, तो मिलना चाहती हूँ बस यही।
तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं मिलूंगी मैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट करें, बाय बाय।